पब्लिक टीवी आपकी आवाज। देखिए बड़े अफसोस की बात है कि 21वीं सदी में जब दुनिया सूरज में जाने की तैयारी कर रही है, हम हिंदुस्तान को 2,000-3,500 साल पीछे लिए जा रहे हैं। कहाँ कहाँ मंदिर थे, कहाँ कहाँ नहीं थे। एक दौर था कि जब पूरी दुनिया के अंदर बुत परस्ती होती थी, हर जगह मंदिर थे, हर जगह बुत थे। अब वो दौर ख़त्म हो गए तो कहाँ कहाँ खोजेंगे। और हिंदुस्तान की 3,500 मस्जिदों के ऊपर दावा किया जा रहा है, क्या हर जगह इसकी खुदाई होगी? क्या प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ख़त्म कर दिया गया? क्या उसके अंदर जब ये बात बता दी गई है कि 15 अगस्त 1947 में इसका जो स्टेटस था वो बदला नहीं जा सकता, तो ये जो जैन बाप बेटे हैं जो हिंदुस्तान का माहौल बिगाड़ रहे हैं सब जगह, इनके ऊपर लगाम नहीं लगाई जा सकती? जब अगर 0.001% अगर मंदिर के कहीं अवशेष निकलते भी हैं तो क्या मस्जिद को डिमोलिश किया जा सकता है? कानून के तहत क्या कोई डिमोलिश कर देगा? जब हो ही नहीं सकता तो हम में यहाँ के रहने वालों के बीच में नफरतें क्यों फैलाई जा रही हैं? मेरी दरख्वास्त है हाथ जोड़ के सभी लोगों से, इन नफरतों के सौदागरों से, कि हिंदुस्तान के रहने वालों को चैन से जीने दो। अब बहुत हो गया, आगे के 500 साल के बारे में सोचो, न कि पीछे के 500 साल के लिए सोच रहे। कल आपका मुरादाबाद प्रतिनिधिमंडल जेल में जाके संभल हिंसा में आरोपियों से मिला था, कहीं ना कहीं वोट बैंक बढ़ाने की बात सामने आ रही है। कल प्रतिनिधिमंडल आपका मिला था, क्या कहेंगे? क्या इंसानियत की बात करना भी वोट बैंक बढ़ाने के लिए होता है? अगर हम उनके जख्मों पे मरहम लगाने गए थे, अगर हम उनके पास गए थे, उसमें से दो एक लोग ऐसे थे मुसलसल बेचारे रो रहे थे, हमसे गले मिल रहे थे, तो कम से कम उनका दिल हल्का तो हुआ, उनको इंसाफ की उम्मीद तो मिली। हमें पूरी उम्मीद है कि अदालत उनको पूरा इंसाफ देगी, क्योंकि वो लोग बताते हैं कि हमारा अगर किसी भी वीडियो में या किसी भी फोटो में हमें पत्थर चलाते हुए देखा जाए तो जो चाहे सज़ा दे दें। हम जब इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है तो हमें क्यों पकड़ा गया? तो बेकसूर के लिए भी नहीं जाए हम। सांसद जी, जब प्रशासन ने 10 तारीख तक सारी चीज़ों पर रोक लगा दी तो आपको रुकना चाहिए। संभल के लिए तो रोक लगाई है जी, उसकी बात कर रहा हूँ अभी। हम संभल थोड़ी गए थे, हम तो मुरादाबाद की जेल में गए थे। तो आरोपियों से तो आप मिले थे ना? हाँ, तो आरोपियों से मिले, उनका दुख दर्द बांटा और उनसे बातचीत हुई। क्या हमारे जाने से संभल के हालात बिगड़ गए?